एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है चाइल्ड लाइन इंडिया। तो अगर आप कहीं बस में ट्रैवल करते हैं, DTC बसेस में, तो हो सकता है कि आपने एक ऊपर जो है बस के ड्राइवर के पास ऊपर एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ एक विमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है शो किया जाता है। उस स्क्रीन पर इन दोनों नंबर्स को बकाया चलाया जाता है, ताकि अगर कोई भी महिला या फिर बच्चा संकट में हो, वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। तो चाइल्ड लाइन इंडिया के बारे में जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पुश करें और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो एक बार देख लेते हैं चाइल्ड लाइन इंडिया है क्या। ठीक है, चाइल्ड लाइन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बस में एक स्क्रीन होती है और उस पर विमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर शो किया जाता है ना। तो वो नंबर आपने देखा होगा ध्यान से, तो वो यही नंबर है 1098। ये नंबर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक सर्विस है। चाइल्ड लाइन इंडिया क्या है? चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि NGO है, जो संकट में फंसे बच्चों के लिए एक चाइल्ड लाइन नामक टेलीफोन हेल्पलाइन संचालित करता है। वो चाइल्ड लाइन नंबर क्या है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 1098 वो नंबर है। ठीक है, तो मुसीबत में फंसे बच्चों की ये मदद करता है, NGO है एक। और ये हेल्पलाइन जो है भारत का पहला 24 घंटे टोल फ्री बच्चों के लिए फ़ोन आउटरीच सेवा है। ये 24 घंटे अवेलेबल है और मुफ्त में। ठीक है, टोल फ्री। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट हम चलते हैं चाइल्ड लाइन के बारे में और जानने के लिए। दिया गया है चाइल्ड लाइन, यहाँ आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा, ये चाइल्ड लाइन गलत लिखा है। ठीक है, तो चाइल्ड लाइन जो है 0 से 18 यानी कि बिलो 18, 18 से कम वर्ष के बच्चों, जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन होने बिलो 18 ही चाहिए, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। चाइल्ड लाइन किसके लिए काम करता है? जो बच्चे संकटग्रस्त हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एक चाइल्ड राइट्स भी दिया गया है, जहां बच्चों के अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो बच्चों के अधिकार भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने मानव अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो चाइल्ड लाइन है उनका विशेष ध्यान देखभाल और सुरक्षा यानी कि केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता वाले बच्चों पर है। ठीक है, खास करके वो बच्चे जो कमज़ोर वर्ग से हैं। ठीक है, वीक सेक्शन। ठीक है, अब इनमें इन्होंने कैटेगरी कुछ शामिल की है जो नीचे है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल हैं, ज़रा इस पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, बाल यौन शोषण के शिकार, यानी कि चाइल्ड
सेक्सुअल अब्यूज़ के जो भी शिकार हुए बच्चे हैं, ये उनकी मदद करता है। अगर आपने मेरी चाइल्ड अब्यूज़ की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप देख लीजिए, इसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है। अगर आप वो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें जो ऊपर दिया गया है। सेकंड है गली के बच्चे। गली के बच्चे यानी कि जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, जो स्ट्रीट पर सोते हैं, ठीक है, उन बच्चों, युवा सड़कों, गली के बच्चे और युवा जो सड़कों पर अकेले रहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, ठीक है, असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज और संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज क्षेत्रों में काम करने वाले बाल मजदूर यानी कि जो भी चाइल्ड लेबर्स हैं उनके लिए भी ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा घरेलू मदद, विशेषकर लड़के डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक वर्क, वर्क करती है एज अ मेड, उन बच्चों के लिए भी ये काम करता है। परिवार, स्कूल, संस्थानों में शारीरिक यौन भावनात्मक शोषण से प्रभावित बच्चे, जितने भी बच्चे हैं या जो भी परिवार हो, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां बच्चों के साथ फिज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, जितने भी बच्चे इनसे पीड़ित हैं उन बच्चों पर भी ये ध्यान देता है। नेक्स्ट है हमारा जिन बच्चों को भावनात्मक समर्थन, इमोशनल सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनकी भी ये मदद करता है। व्यवसायिक यौन कर्मियों के बच्चे, जिन बच्चों के पेरेंट्स सेक्स वर्कर हैं उनके बच्चे भी इस कैटेगरी में शामिल है। देह व्यापार के शिकार बच्चे, हमारे इंडिया क्या या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि बच्चों के या फिर बड़ों के बॉडी पार्ट्स जो हैं बेच दिए जाते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके, तो वो जिनके बॉडी पार्ट्स जो हैं बिक चुके होते हैं वो बच्चे भी इस कैटेगरी में शामिल हैं। चाइल्डलाइन इंडिया इसकी मदद भी करता है। बाल तस्करी के शिकार यानी कि जिन बच्चों को बेच दिया गया है उनको, अगर वो वापस बच गए हैं तो उन बच्चों की भी देखभाल करता है या सुरक्षा करता है या फिर ध्यान देता है। माता पिता या अभिभावकों द्वारा त्यागे हुए बच्चे यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते और छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए गुम बच्चे, लॉस्ट चाइल्ड्स, जो भाग गए हैं बच्चे, यहाँ आएगा भागे हुए बच्चे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जो बच्चे मादक द्रव्यों का सेवन शिकार हैं यानी कि जो भी ड्रग्स, अल्कोहल का जो शिकार है वो बच्चे भी इसमें शामिल है। अलग अलग तरह के बच्चे जिनको नीड और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो, और कानून के विरोध में बच्चे जो भी कानून से विरोध कर रहे हैं अपने हक के लिए, वो बच्चे भी शामिल हैं। संस्थानों में जो बच्चे होते हैं जिनकी केयर या प्रोटेक्शन ठीक तरह से नहीं किए जाते वो वाले बच्चे, और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे भी इसमें शामिल है, इमोशनली डिसेबिलिटी वाले बच्चे, ठीक है। और साथ ही साथ HIV एड्स संक्रमित बच्चे, ये आपको पता ही है जो HIV एड्स जो डिसीज़ होती है वो उनसे संक्रमित जो हो जाते हैं बच्चे, वो वाले भी संघर्ष और आपदा में, डिजास्टर में जो फंस जाते हैं वो बच्चे, बाल राजनीति से रिफ्यूजिस, जो राजनीति के कारण एक राज्य में या दूसरे देश में बस जाते हैं, जो दूसरे देश में आकर रहते हैं वो वाले बच्चे, और जिन बच्चों के परिवार संकट में हैं वो वाले बच्चे भी इसमें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गए हमारे ये कैटेगरीज, जिन बच्चों के में ये विशेष ध्यान देता है वो, ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि यह उन बच्चों की भी मदद करता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। एज़ यूज़ुअल अलग अलग तरह के बच्चे में मैंने इसमें ये एक्सप्लेन कर दिया था,
ठीक है। और चाइल्ड लाइन नंबर तो आपको पता ही चल गया है, 1098, इसको याद रखिएगा। चाइल्ड लाइन एक महीने में औसतन, यानी कि चाइल्ड लाइन पर औसतन एवरेज, एक महीने का एवरेज 1 मिलियन कॉल होती है। और चाइल्ड लाइन ने पर एनम, यानी कि पर एनुअल जो है, लगभग 30,000 बच्चों को बचाया है, ठीक है। अगर इनकी इनका स्टैटिस्टिक्स निकालें तो, ठीक है। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के 5 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 5 to 14 वर्ष की आयु के बीच जितने भी बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर्स हैं, ठीक है, वो मजदूर हैं जो कार्यरत हैं, जो वर्किंग हैं, ठीक है। अब एक बार इसका इतिहास, हिस्ट्री पर आ जाते हैं कि ये कैसे बना चाइल्ड लाइन। तो परिवार और बाल कल्याण विभाग में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में मुंबई में एक प्रोफेसर थे, जेरो बिली मोरिया द्वारा जून 1996 में चाइल्ड लाइन को पहली बार एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, यानी कि एक पूरा प्रैक्टिकल किया गया था। फिर इसके बाद भारत सरकार ने किसके, मिनिस्ट्री ऑफ महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है, उसके तहत पूरे भारत में इसे स्थापित किया। ये आप देख लीजिएगा, ये डेट कौन सी है, शायद 1/1/2008 है शायद, नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है। और पूरे भारत में सेवाओं का समर्थन और निगरानी करने के लिए, यानी कि जब इस चाइल्ड लाइन की स्थापना हुई तो सेवाओं का समर्थन और निगरानी करने के लिए एक छत्र संगठन के रूप में मंत्रालय और विभिन्न गैर संगठनों के बीच लिंक के रूप में भी सेवा की, यानी कि स्थापित करके सपोर्ट पाने के लिए, इसकी सुपरविज़न के लिए बहुत सारे जो सरकारी संगठन थे उनके लिंक हुआ और इन सब, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, पूरे भारत में, ठीक है। मंत्रालय के सचिव फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और अप्रैल 2013 में मेघालय राज्य के वेस्ट गारो हिल्स ज़िले में एक चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2013 में मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स के ज़िले में एक चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है और चाइल्ड लाइन इंडिया द्वारा संयुक्त कार्यक्रम एक भाग के रूप में, मतलब एक हिस्से के रूप में इसे चलाया गया था, ठीक है। मई 2013 में अहमदाबाद चाइल्डलाइन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले 17 है या फिर ये 18 है और 2013 साल की उम्र में 16 बच्चों को बचाया, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ, थैंक यू।